ना बैठे उसका भी कोई फर्क नहीं, उनका रिजल्ट निकलना है। थैंक यू। देखिए सचिवालय हमारा घर है, यहाँ के कर्मचारी अधिकारी हमारे परिवार के सदस्य है और हम सब का इस परिवार का और प्रदेश का मुख्य होने के नाते आज शांति के लिए हवन पाठ हमेशा से सचिवालय के कर्मचारी और अधिकारी करते आए हैं और मैं और शिक्षा मंत्री जी को आज इन्होंने पूर्ण आहुति का न्योता दिया, उस पूर्ण आहुति के न्योते को हमने स्वीकार किया और क्योंकि इन्हीं कर्मचारियों से पूरे प्रदेश के विकास की गाथा भी लिखी जाती है तो उसमें आज हम पूर्ण आहुति डालने आए हैं और आज भंडारा भी है। आपसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि आप भी भंडारा खा के जाइए। जानकारी मुझे आपसे मिल रही है, मुझे तो अभी पता नहीं है, हमने तो अपना ड्राफ्ट नोट भेज दिया। ठीक है सर, अब आज यहाँ पर रखी गई है। हमने फैसला कर दिया है, वो अब रिजल्ट निकलेगा और वो रिजल्ट उसका निकलना निश्चित है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जीओआईटी 817 में हमने फैसला कर दिया है कि ये रिजल्ट अब तुम प्रभाव से निकालो, उनकी डॉक्यूमेंटेशन होगी है, अब मैं उनसे बात करूंगा कि इसमें जल्दी से जल्दी परिणाम को निकालो। उसमें हड़ताल पर बैठे ना बैठे उसका भी कोई फर्क नहीं, उनका रिजल्ट निकलना है। थैंक यू। देखिए सचिवालय हमारा घर है, यहाँ के कर्मचारी अधिकारी हमारे परिवार के सदस्य है और हम सब का इस परिवार का और प्रदेश का मुख्य होने के नाते आज शांति के लिए हवन पाठ हमेशा से सचिवालय के कर्मचारी और अधिकारी करते आए हैं और मैं और शिक्षा मंत्री जी को आज इन्होंने पूर्ण आहुति का न्योता दिया, उस पूर्ण आहुति के न्योते को हमने स्वीकार किया और क्योंकि इन्हीं कर्मचारियों से पूरे प्रदेश के विकास की गाथा भी लिखी जाती है तो उसमें आज हम पूर्ण आहुति डालने आए हैं और आज भंडारा भी है। आपसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि आप भी भंडारा खा के जाइए। जानकारी मुझे आपसे मिल रही है, मुझे तो अभी पता नहीं है, हमने तो अपना ड्राफ्ट नोट भेज दिया। हमने फैसला कर दिया है, वो अब रिजल्ट निकलेगा और वो रिजल्ट उसका निकलना निश्चित है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जीओआईटी 817 में हमने फैसला कर दिया है कि ये रिजल्ट अब तुम प्रभाव से निकालो, उनकी डॉक्यूमेंटेशन होगी है, अब मैं उनसे बात करूंगा कि इसमें जल्दी से जल्दी उस परिणाम को निकालें। उसमें हड़ताल पर बैठे ना बैठे उसका भी कोई फर्क नहीं, उनका रिजल्ट निकलना है। थैंक यू। देखिए सचिवालय हमारा घर है, यहाँ के कर्मचारी अधिकारी हमारे परिवार के सदस्य है और हम सब का इस परिवार का और प्रदेश का मुख्य होने के नाते आज शांति के लिए हवन पाठ हमेशा से सचिवालय के कर्मचारी और अधिकारी करते आए हैं और मैं और शिक्षा मंत्री जी को आज इन्होंने पूर्ण आहुति का न्योता दिया, उस पूर्ण आहुति के न्योते को हमने स्वीकार किया और क्योंकि इन्हीं कर्मचारियों से पूरे प्रदेश के विकास की गाथा भी लिखी जाती है तो उसमें आज हम पूर्ण आहुति डालने आए हैं और आज भंडारा भी है। आपसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि आप भी भंडारा खा के जाइए। जानकारी मुझे आपसे मिल रही है, मुझे तो अभी पता नहीं है, हमने तो अपना ड्राफ्ट नोट भेज दिया। हमने फैसला कर दिया है, वो अब रिजल्ट निकलेगा और वो रिजल्ट उसका निकलना निश्चित है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जीओआईटी 817 में हमने फैसला कर दिया है कि ये रिजल्ट अब तुम प्रभाव से निकालो, उनकी डॉक्यूमेंटेशन होगी है, अब मैं उनसे बात करूंगा कि इसमें जल्दी से जल्दी उस परिणाम को निकालें। उसमें हड़ताल पर बैठे ना बैठे उसका भी कोई फर्क नहीं, उनका रिजल्ट निकलना है। थैंक यू। देखिए सचिवालय हमारा घर है, यहाँ के कर्मचारी अधिकारी हमारे परिवार के सदस्य है
और हम सब का इस परिवार का और प्रदेश का मुख्य होने के नाते आज शांति के लिए हवन पाठ हमेशा से सचिवालय के कर्मचारी और अधिकारी करते आए हैं। और मैं और शिक्षा मंत्री जी को आज इन्होंने पूर्ण आहुति का न्योता दिया, उस पूर्ण आहुति के न्योते को हमने स्वीकार किया। और क्योंकि इन्हीं कर्मचारियों से पूरे प्रदेश के विकास की गाथा भी लिखी जाती है, तो उसमें आज हम पूर्ण आहुति डालने आए हैं। और आज भंडारा भी है, आपसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि आप भी भंडारा खा के जाइए। जानकारी मुझे आपसे मिल रही है, मुझे तो अभी पता नहीं है, हमने तो अपना ड्राफ्ट नोट भेज दिया। ठीक है सर, अब आज यहाँ पर हमने फैसला कर दिया है, वो अब रिजल्ट निकलेगा और वो रिजल्ट उसका निकलना निश्चित है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जीओआईटी 817 में हमने फैसला कर दिया है कि ये रिजल्ट अब तुम प्रभाव से निकालो। उनकी डॉक्यूमेंटेशन होगी है, अब मैं उनसे बात करूंगा कि इसमें जल्दी से जल्दी उस परिणाम को निकाले। उसमें हड़ताल पर बैठे ना बैठे उसका भी कोई फर्क नहीं, उनका रिजल्ट निकलना है। थैंक यू। देखिए, सचिवालय हमारा घर है, यहाँ के कर्मचारी अधिकारी हमारे परिवार के सदस्य है, और हम सब का इस परिवार का और प्रदेश का मुख्य होने के नाते आज शांति के लिए हवन पाठ हमेशा से सचिवालय के कर्मचारी और अधिकारी करते आए हैं। और मैं और शिक्षा मंत्री जी को आज इन्होंने पूर्ण आहुति का न्योता दिया, उस पूर्ण आहुति के न्योता